नोट के बीच में क्यों लगा होता है ये धागा, वजह जान रह जाएंगे दंग। आज के समय में रुपया हर इंसान की जरूरत बन गई है। आप प्रतिदिन नोट का इस्तेमाल करते होंगे। आप असली नकली की पहचान करने के लिए नोट को कई बार नजदीक से देखते हैं। आप एक चीज हमेशा देखते होंगे कि नोट के बीच में एक मेटेलिक धागा लगा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धागे को क्यों लगाया जाता है, इसे कैसे लगाया जाता है, ये धागा किस चीज से बना होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल करेंसी के बीच मेटेलिक धागे का चलन सुरक्षा मानकों के तौर पर शुरू हुआ। इस चमकीले मेटेलिक धागे पर एक कोड भी लिखा होता है, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में RBI। ये कुछ उल्टे तो कुछ सीधे भी होते हैं जो नोट के सुरक्षा मानकों को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। नोट के बीच में मेटेलिक धागे को लगाने का आइडिया सबसे पहले 1848 में इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड ने तब इसे पेटेंट करा लिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसे करीब 100 साल बाद लागू किया गया। ये उस समय लागू किया गया जब इंग्लैंड में नकली नोट छापने का चलन काफी बढ़ गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले नोट करेंसी के बीच मेटल स्ट्रिप लगाने का काम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1948 में किया। जब नोट को रोशनी में उठाकर देखा जाता था तो उसके बीच एक काले रंग की लाइन नजर आती थी। माना गया कि ऐसा करने से क्रिमिनल नकली नोट बनाने में तो वो मेटल थ्रेड नहीं बना सकेंगे। हालांकि बाद में नकली नोट बनाने वाले नोट के अंदर बस एक साधारण काली लाइन बना देते थे और लोग मूर्ख बन जाते थे। 1984 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 पाउंड के नोट में ब्रोकरेन यानी टूटे से लगने वाले मेटल को धागे डाले, यानी कि नोट के अंदर ये मेटल का धागा कई लंबे डैसेज को जोड़ता हुआ लगता था। तब ये माना गया कि इसकी तोड़ तो क्रिमिनल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन नकली नोट बनाने वाले जालसाजों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। दरअसल वे एल्यूमिनियम के टूटे हुए धागों को सुपर ग्लू के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों के लिए इसे भी पहचान पाना मुश्किल था। हालांकि सरकारों ने भी सिक्योरिटी धागे बनाने के मामले में जालसाजों से हार नहीं मानी और एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसमें मेटल की जगह प्लास्टिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता था। 1990 में कई देशों की सरकारों से जुड़े केंद्रीय बैंकों ने नोट में सुरक्षा कोड के तौर पर प्लास्टिक थ्रेड का इस्तेमाल किया। साथ ही थ्रेड पर भी कुछ छपे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ जिसकी नकल अब तक नहीं हो पाई। भारत में 5, 10, 20 और 50 रुपए के नोट पर भी ऐसी ही पढ़ी जाने वाली स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है। ये थ्रेड गांधी जी की तस्वीर की बाई ओर होता है। इससे पहले रिजर्व बैंक जिस मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करता था उसमें मेटेलिक स्ट्रिप प्लेन होती थी, उसमें कुछ लिखा नहीं था। आमतौर पर बैंक जो मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पतली होती है। ये आमतौर पर एल्यूमिनियम की होती है या फिर प्लास्टिक की। हालांकि भारत में करेंसी नोटों पर मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल काफी देर से शुरू किया गया, लेकिन हमारे देश के नोटों में करेंसी पर जब आप इस मेटेलिक स्ट्रिप को देखेंगे तो ये दो रंगों की नजर आएंगी। छोटे नोटों पर ये सुनहरी चमकदार रहती है तो 2000 और 500 के नोटों पर ब्रोकेन स्ट्रिप हरे रंग की होती है।